ईडी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की संपत्ति को कुर्क कर सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगले सप्ताह बरियातू स्थित पल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और आईएएस पूजा सिंघल की अन्य संपत्ति को ईडी कुर्क कर सकता है। ईडी उन संपत्तियों को कुर्क करेगा जो मनरेगा घोटाले कर वैध रूप से जुटाई गई है। पूजा सिंघल के पति अभिषेक कुमार झा का पल्स अस्पताल ऐसी ही एक प्रमुख संपत्ति है। मालूम हो कि 18 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला उस अवधि में हुआ है जब पूजा सिंघल खूंटी जिले में डीसी थी। बता दें कि वह विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए राशि स्वीकृत करने वाली प्रमुख अधिकारी थी। मालूम हो कि 5 मई को ईडी ने पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी को भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था, जिसके बाद पूजा सिंघल से ईडी कार्यालय में पूछताछ की गई थी। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ईडी ने पूजा के पति अभिषेक कुमार झा, सीए सुमन कुमार सिंह के अलावा खूंटी जिले के इंजीनियरों और अधिकारियों राम विनोद प्रसाद सिन्हा, जय किशोर चौधरी, शशि प्रकाश और राजेंद्र कुमार जैन के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। बता दें कि इस मामले में ईडी द्वारा अन्य आरोपियों की भी संपत्ति कुर्क की जाएगी। ईडी की पूछताछ में सीए सुमन सिंह ने यह स्वीकार किया है कि उसने बरियातू स्थित पल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कैश काउंटर पर 4 से 5 बार फर्जी बिल बनाकर पल्स अस्पताल की रसीद बढ़ा चढ़ाकर देने के लिए 10 लाख रुपए कैश दी थी। देखा जाए तो पूजा सिंघल ने काली कमाई को पल्स अस्पताल में समायोजित करने और अस्पताल से अर्जित लाभ को बेदाग दिखाने के लिए किया था। बता दें कि पूजा सिंघल और अभिषेक झा की शादी जून 2011 में हुई थी। ईडी ने बताया कि शादी से पहले पूजा सिंघल अपने ही बैंक खाते में फर्जी पैसे जमा करती थी और शादी के बाद उन पैसों को अभिषेक झा के खातों में जमा किया गया था। बाद में मैसर्स पल्स संजीवनी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड को शामिल करने के बाद नकदी को पल्स डायग्नोस्टिक के साथ साथ पल्स संजीवनी के निर्माण, खरीद और खातों में समायोजित किया गया था। ईडी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2012 से 13 से मिसर्स पल संजीवनी हेल्थ केयर के बैंक खातों में कुल क्रेडिट संबंधित वित्तीय वर्ष में कंपनी के कुल कारोबार से अधिक था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।